बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, ये रेगन एयरपोर्ट है अमेरिका का। रेगन एयरपोर्ट जो है वो वर्जीनिया में है तकरीबन, और वहाँ से हम लोग जा रहे हैं साउथ कैरोलिना। साउथ कैरोलिना जो है ना, ये इसकी स्टेट है, तो कोलंबिया। तो हम इसमें जहाज में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर से पहले 3 घंटे पहले आना पड़ता है आपको एयरपोर्ट पर जहाज़ में रवानगी के लिए। और उसके बाद ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जहाज़ इस वक्त जो है ना वो मूव कर रहा है, बंद हो गया है। पहले दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं। अब जहाज़ जो है वो रनवे की तरफ से चलता ऐसा ऐसा जा रहा है। ये देखें, आप देख रहे हैं कि जहाज़ जो है वो रवान दवा है, वो देखें ये जा रहा है जहाज़। ये देखें बाहर, आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पर आपको तैयारे नज़र आ रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा है, बादल आप देख रहे होंगे। ये देखें ये ऐसा ऐसा वहाँ से निकला है अपना टनल से। अब ये ऐसा ऐसा ये 3 जगह यानी कि रुकेगा। पहले एक जगह रुकता है, वहाँ जाके जो है ना ये रनवे यानी कि टर्न करके रनवे के ऊपर आ जाएगा। रनवे के ऊपर आके फिर ये वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ठहरेगा, फिर ये वहाँ से टर्न करके फिर आगे थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा जाके फिर आगे वहाँ से फिर थोड़ा सा रुकेगा। फिर उसके बाद फिर एकदम ये चलेगा और ये भाग के जो है ना पूरी स्पीड के साथ भाग के फिर ये बुलंद हो जाता है। ठीक है ना जी, ये देखें ये इसका सारा ये रनवे है इनका। अब ये देखें, ये आपको देख रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार है। और ये देखें, ये इस वक्त हम एयरपोर्ट पे हैं और ये आप देख सकते हैं और कि हम रनवे के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। ये देखें तैयारा चल रहा है रनवे के ऊपर ये। और ये जो है ना इस वक्त आजकल क्योंकि छुट्टियाँ हैं, आज जो है ये 21 दिसंबर है 2023, और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सर्दी जो है वो -26 फॉरेनहाइट है, यानी कि आप देखें कि फॉरेनहाइट है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। फॉरेनहाइट मकसद बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अंदर आपने मकसद अपना वो कपड़े पहने होंगे गर्म, और इसके बाद जो है ना आप लोग मूव कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ यू आर नॉट एबल टू मूव। बाहर सख्त सर्दी में आप ना वहाँ पर नहीं जा सकते। अब ये है कि ये जहाज़ जो है ये यहाँ पे ठहरा हुआ है अब ये थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर ये एकदम से बुलंद हो जाएगा, भाग के चढ़ेगा। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि फिर ये जो है ना एकदम से इसका जो है ना ये वो चले जाएगा, और इसके एकदम सारे इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये भाग के जो है वो रवाना हो जाएगा। तो इस वक्त वो जो है उन्होंने हमें वो इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी है कि आप अपनी बेल्ट बांध लें और ये कर लें वो कर लें जैसा भी है। और वो जो है तमाम इमरजेंसी गेट के बता रहे हैं, किस जो है ना वो एयर होस्टेस को बता रही है कैसे आपको करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या जी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हमें बताई जा रही हैं। और ये जो है वो इस पर हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या कैसे आपने करना है, क्या से है कि इमरजेंसी में कहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी, कहाँ से आप उसको करेंगे, किस तरह से आप उसको अपने आपने चलना है, क्या करना है। ये जो है ना इस वक्त तो वो ठहरा हुआ है और उसको बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है जब ऐसा ऐसा मूव होगा उसके बाद फिर ये भाग के चढ़ जाएगा एकदम से। ठीक है ना, ये आप मौसम में आपको दिखा रहा हूँ, देखें आप कितना अच्छा है इस वक्त, बहुत प्लेजेंट है और माहौल सर्दी का है, इंतहाई सर्द सा माहौल है। और अंदर जो है वो भी मौसम अच्छा, उन्होंने वार्म किया हुआ है। और इस वक्त ये होता है कि ये जो आपको हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त ये देखें अभी फिर चल पड़ा, ये देखें भाग रहा है, अब ये भाग रहा है, ये देखें ना। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं, अब ये इसने सारे इंजन ऑन कर दिए हैं और ये भाग रहा है। और हाँ जी, ये देखिए इस वक्त ये बुलंद हो जाएगा और थोड़ी देर में आप देखेंगे इसको कि ये जो है ना बिल्कुल एकदम से इसके इंजन जो है ना वो उसको बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो इस वक्त ये देखिए, तो और ये जो है क्योंकि ये यहाँ की इसकी अंदरूनी प्रवास, ये जो है ना हम इसको कहते हैं कि इंटरनल फ्लाइट्स हैं ये अमेरिका की, लेकिन इसके लिए भी बहुत सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको पहले तकरीबन एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ता है यहाँ पे जाने के लिए। ठीक है ना जी, उसके बाद ये है कि आप फिर जो है क्या कहते हैं आपकी चेकिंग होती है, आपका सामान चेक होता है आपका। ये देखिए अभी बुलंद हो गया है, अब ये देखिए, ये देखिए ये नीचे आपको दिखा रहा है, शायद जो है ये आपको बता रहा है, ये वर्जीनिया आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाना शुरू कर दिया, वर्जीनिया है ये देखिए।
अब ये बुलंद होता चला जा रहा है जहाज, और ये जो है ऐसे ऐसे जैसे जैसे बुलंद होता जाएगा वैसे वैसे ये आपको दिखाई जो है उसका वो कम होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये जैसे वो बादल जो है बादलों के भी ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि ये इसकी स्पीड जो है ऊपर इंजन बहुत तेज़ी से उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही आराम देश अगर उसमें जहाज़ में आपको जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, खाने के लिए लाइट्स से सामान देते हैं चीज़ें देते हैं, लेकिन ये कि मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ही दिलचस्प है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमें कर रहे हैं साउथ कोलम्बिया, तकरीबन यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट है। तो ये देखिए उसमें 2 घंटे की फ़्लाइट में आप ये देखिए कैसे आपको महसूस हो रहा होगा आपको, ये तो जो ये देखिए आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी, आप इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए आपको देखें नीचे बहुत ही ज़्यादा देखो, देखिए घर भी नज़र आ रहे हैं लेकिन ये बस इसके बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लाइट पर नहीं करता, एक दरमियान से आगे जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम जो दोस्त हैं आप उनको ये उनके साइन भी आई होंगी, आप उसको लाइक भी करेंगे, आप लाइक भी कीजिएगा और मैं चलाऊँगा ऐसे केस जो है ना। तो ये देखिए आप इसको खत्म हो और भी ऊपर आ गए, नीचे में बादल दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये बादल है ना, ये बादलों के ऊपर चला गया। बादल क्या है, जैसे फोम की तरफ होते हैं, फोग की तरह होती है, लेकिन हाँ जी तरह से है। तो ये जो है बहुत दिलचस्प सफ़र रहा है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, तो आप इसे देखिएगा और इन्जॉय भी कीजिएगा। तो आई थिंक ये फॉर गुड टाइम, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।